ये देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर चाट की रेसिपी है। ये टमाटर चाट मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, बनारस की टमाटर चाट आपको बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि बनारस की टमाटर चाट बहुत ही फेमस है। वैसे टमाटर चाट तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बनारस जाइएगा तो टमाटर चाट जरूर खाइएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं आज टमाटर चाट की रेसिपी ही बता रही हूँ, तो फ्रेंड्स इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं ये घी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, घी डालने से टमाटर चाट का टेस्ट दुगना हो जाता है। घी मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ये जीरा डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, जीरा जब तड़कने लगे मेरा, प्याज डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, प्याज आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे अपने तरीके से बना रही हूँ, ऐसे हर कोई अपने स्टाइल में ही बनाता है। और फ्रेंड्स, चाट है तो तीखा चटपटा रहेगा ही। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च ली है। तीखा आप जैसा खाना पसंद करेंगे उस हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें लाल मिर्च भी ऐड करूंगी, उस हिसाब से पहले हरी मिर्च आप काट के डालिएगा और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर फ्रेंड्स, टमाटर चाट में टमाटर ज्यादा रहेगा ही। अभी इस समय मैं ये थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर मेरे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, और इसको हम सॉफ्ट होने तक इंतजार करेंगे, इसको पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर मेरा गल चुका है। और फ्रेंड्स, जब टमाटर गल जाए तो ऐसे इसको मैश करना है। ये देखिए, और फ्रेंड्स इस टाइम में मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, एक गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, ये मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने चाट मसाला लिया है। अब ये सबको मैं इसमें ऐड करूंगी, इसको अच्छे से हम चलाएंगे। देर तक हम इसको चलाएंगे ताकि हमारे मसाले फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, आप मसाले पहले भी फ्राई कर सकते हो, जैसे टमाटर डालने से पहले जब घी हमने ऐड किया, प्याज हमारा फ्राई हो चुका, उसके बाद से हम ये मसाले भी फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मसाले हम फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारे मसाले फ्राई होते हैं तब तक हम जीरा पाउडर पानी बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 ग्लास के करीब पानी ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने लिया है, उसको इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा जीरा पाउडर बन जाएगा, और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, वैसे मैंने ये 1/4 कप लिया है। इसको हम उबाली आने देंगे और अपना ये चाट भी चलाते रहेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बना के घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है, इसे बनाइएगा जरूर। ये देखिए टमाटर मेरे बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला फ्राई करना है बस। फ्रेंड्स और ये मैंने जो जीरा पानी बनाया है उसमें मैं ये ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर टमाटर चाट में मैंने डाला है नमक तो ज्यादा हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, या फिर नींबू। दो से तीन मिनट फ्रेंड्स मसाले फ्राई होने देते हैं हम अपने, और तब तक हमारा ये जीरा का पानी भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जीरा पानी हो चुका है, मैंने इसको 3-4 मिनट बॉईल किया है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए ये मेरा टमाटर चाट भी लगभग तैयार है, मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब जो मेरे पास ये बॉयल आलू था उसको ऐसे तोड़ के डालेंगे हम इसमें, ये देखिए काट के नहीं डालेंगे, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं लेकिन हम ऐसे डालेंगे हम। इसको अच्छे से चलाते हैं हम, ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है ये टमाटर चाट हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट इसको पकाएंगे हम ताकि मसाले थोड़े हमारे आलू में भी मिल जाए। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। ये टमाटर चाट हमारा तैयार हो गया है, अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स टमाटर चाट को मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा घी ऐड करूंगी। घी देखिए फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐड करना है कि नहीं, लेकिन घी से इसका टेस्ट निखर के आता है। देखिए उसके बाद जो मैंने ये जीरा का पानी बनाया हुआ है मैं उसको ऐड करूंगी इसमें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए इसको ऐड करेंगे हम। उसके बाद से ये देखिए मैंने इमली पानी लिया हुआ है, इसको मैं डाल लेती हूँ इमली पानी। देखिए फ्रेंड्स इमली पानी आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, कढ़ाई में भी, मैंने इसको ऐसे ऐड किया है। इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैं रोस्टेड जीरा पाउडर है उसको डाल रही हूँ। ये देखिए इसके ऊपर चाट मसाला डाल देते हैं हम हल्का सा। ये देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। उसके बाद से आपके पास अगर सेव है तो आप डालिए ये भुजिया, ये चाट वगैरह में पड़ता है। ये प्याज काट के डाल रही हूँ, प्याज छोटे छोटे काटे हुए मैंने। फ्रेंड्स ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ये, टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बना है। फ्रेंड्स इसे बना के घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।